पहले मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये फॉग और स्मॉग दो अलग अलग चीजें होती हैं। स्मॉग होती है जब फॉग के साथ स्मोक मिल जाती है। स्मोक मीन्स वैरायटी ऑफ गैसेस, SO2 भी उसके अंदर आ जाती है, और गैसेस आ जाती हैं, प्लस जो पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स आते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तमाम तरह के पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं। तो ये जो स्मॉग का मिश्रण है ये डेफिनेटली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसमें क्या होता है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी तमाम तरह के ब्रोंकाइटिस के, एम्फाइसिमा के, या एलर्जीज के, या ब्रोंकियल एस्थमा के खासकर जो केसेस हैं वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। और खासकर अगर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन चल रही हो, चाहे वायरल निमोनिया हो, चाहे बैक्टीरियल निमोनिया हो, चाहे ट्यूबरक्लोसिस हो, ये सब चीज़ें भी प्रेसिपिटेट हो जाती हैं। तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, जो स्मॉग होती है, फॉग होती है, वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हानिकारक है। खासकर कि ये बच्चों के लिए काफ़ी हानिकारक है, जो 5 साल से छोटे हुए हैं, जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ऊपर उनके लिए काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन डेफिनेटली ये सर्दी की फॉग जो है, देखिए स्मॉग के इफ़ेक्ट्स डेफिनेटली कुछ कम हो सकते हैं मास्क को पहनने के बाद, उसको पूरा तो नहीं हम लोग नज़रअंदाज कर सकते उसके साइड इफ़ेक्ट्स को, बट डेफिनेटली पॉल्यूटेंट्स का अंदर जाना थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर कोई बड़ा माइक्रो मास्क कोई पहनता है तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन डेफिनेटली स्मॉग के साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। पॉल्यूशन का लेवल तो सेम रहता है, लेकिन स्मॉग फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि फॉग सर्दियों में होती है, गर्मियों में फॉग नहीं होती इतनी। तो फॉग के साथ में स्मॉग का मिश्रण, स्मॉग जो है वो डेफिनेटली सर्दियों में ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं।